हम बात कर रहे हैं वेदांता लिमिटेड की। आज के दिन की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ ही स्टॉक में हमको क्लोजिंग देखने के लिए मिली। गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 420 के लेवल से लगातार अप ट्रेंड में 520 तक का जंप स्टॉक ने दिखाया है। हायर हाई चार्ट पैटर्न के साथ वहाँ से रिजेक्शन लेकर गिरावट आई, तो देख सकते आपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर जहाँ पहले सपोर्ट लिया था 480 के लेवल पर उसी के आसपास सपोर्ट लेकर अगेन रिकवरी देखने के लिए मिल रही। जंप आया, गिरावट आई, अगेन जंप, गिरावट, लो ब्रेकडाउन नहीं किया, तो यहाँ से बाउंस बैक के अब वेदांता में चांस बनते नज़र आ रहे। और अगर ट्रेंड की बात करें तो वेदांता का ट्रेंड भी आप देख सकते हो, पॉजिटिव ट्रेंड में ही ये स्टॉक देख सकते हो आप कि स्टॉक ने अपने हाई को भी ब्रेकआउट कर चुका है। जो इसका हाई था ऑलमोस्ट 500 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करके एक जंप आया था और वहाँ से गिरावट आई है। अपने हाई को ब्रेकआउट करके गिरावट आई तो अगेन बाउंस बैक के साथ अब हाई के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। तब हमको नीचे की ओर इमीडिएट सपोर्ट जो देखने के लिए मिलेगा अगर गिरावट आती है तो ऐसी सिचुएशन में 494 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है। ब्रेकडाउन कर गया तो अगला सपोर्ट 490 का लेवल और नीचे की ओर 480 का लेवल मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ट्रेंड है पॉजिटिव, अप ट्रेंड में गिरावट आई है, बाउंस बैक के साथ इस हाई के जैसा कि हमने डिस्कस किया ब्रेकआउट के चांस बने हुए, तो यहाँ से और अप ट्रेंड हमको वेदांता में देखने के लिए मिल सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पर हम एक दफ़ा इसका चार्ट पैटर्न देख लेते ताकि और अच्छे से समझने में आसानी हो। देख सकते हैं हम बड़े टाइम फ्रेम पर, ये 3 आवर्स टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, तो देख सकते हैं किस तरह से जो चार्ट देखने के लिए मिल रहा है। गिरावट आती है तो 480 तक का फॉल दिखा सकता है, यहाँ से बाउंस बैक करके अपने रिसेंट हाई के ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। तो अब बात करेंगे हम टारगेट की, तो 500 इमीडिएट टारगेट रहेगा जिस लेवल को ब्रेकआउट किया था इससे पहले, जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया था। हालांकि है इसका रेजिस्टेंस लेकिन चांस बन रहे ब्रेकआउट के चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। 500 ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट टारगेट 520, और 520 का भी ब्रेकआउट हमको वेदांता दिखा सकता है जैसा कि हमने अभी अभी देखा है। और देख सकते हैं पॉजिटिव ट्रेंड में अपने हाई के आसपास स्टॉक सस्टेन हो रहा है, बड़ी सेलिंग नहीं आ रही, मतलब जो बड़े पिलर्स नीचे इंटर हुए हैं वो इस रेंज में भी बने हुए, एग्जिट के लिए तैयार नहीं है। तो 520 का भी लेवल ब्रेकआउट कर सकता है, इसके ब्रेकआउट के बाद अगला टारगेट 540 और फिर 560 तक का भी जम दिखा सकता है। यहाँ तक के भी टारगेट वेदांता में हमको फिर देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की आपको सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।